वेलकम टू निधिस किचन। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। आपको इस केक को बेक ही नहीं करना, ना हम इसमें ओवन यूज़ करेंगे, ना हम कोई प्रेशर कुकर, ना हम कोई कढ़ाई। तो ये विदाउट बेकिंग हम केक बनाएंगे और ये बहुत अच्छा केक बनेगा। और इसे मैं बिस्किट से बनाऊंगी। तो आप देखिएगा, आप जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आप जानेंगे ये रेसिपी बहुत ही ईजी है बनाने में और खाने में भी बहुत ही यम है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए मेरे चैनल को प्रमोट करने में, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज को आपको केक सिखाने जा रही हूँ, जो मैं बिस्किट से आपको सिखाऊंगी, वो देखिए देखने में ऐसा लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना यम्मी लग रहा है। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, इसमें बिस्किट बहुत ही क्रंची लगेगा। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं जो आपको पता है हेल्दी होते हैं, और इसको बहुत ही क्रंची फ्लेवर देगा। तो आप इसको देखते हैं, नो बेक चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये पार्ले जी वाले बिस्किट लिए हैं, आप कोई और फ्लेवर के बिस्किट भी ले सकते हैं। तो ये लगभग 140 ग्राम्स हैं। तो अगर हम माने तो ये आप समझ लीजिए कि जो 10 रुपए वाला पैकेट है वो हम एक ले सकते हैं, और दो 5-5 रुपए वाले पैकेट पार्ले जी के ले सकते हैं। और इसके लिए हम जो चॉकलेट सिरप बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए, ये मैंने 1/4 कप कोको पाउडर लिया है, ये 1/2 कप हमने पाउडर्ड शुगर ली है, ये 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, और ये अराउंड 50 ग्राम बटर है। मैंने घर का बटर लिया है, आप अनसॉल्टेड बाजार का कोई भी बटर ले सकते हैं। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने कुछ एलमंड्स लिए हैं, कुछ कैश्यूज लिए हैं, वॉलनट्स लिए हैं। आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। पिस्ता या कोई और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हमें उसकी क्रीम बनाने के लिए मैंने ये लगभग 50-60 ग्राम्स डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है फ्रेंड्स, और ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है। इसके हम लगभग 2 टेबल स्पून हम क्रीम यूज करेंगे। ये बिस्किट्स को तोड़ लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है, एक बिस्किट के आप 2 या 3 पीसेस कर लिए, अदरवाइज इसका क्रंची जो पन है वो हमारा क्रंचीनेस है जो वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको लगभग 3 या 4 पीसेस में मैक्सिमम कट कर लीजिएगा अपने बिस्किट्स को। तो हम ऐसे सारे बिस्किट्स को तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने सारे अपने बिस्किट को तोड़ लिया है, एक बिस्किट के मैंने 4-4 पीसेस कर लिए हैं। और अब हमने जो ये ड्राई फ्रूट्स लिया है फ्रेंड, इसको मैं अभी थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से ये होगा कि इनका जो क्रंची फ्लेवर है वो हमारे केक में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पैन ले लीजिए, आप चाहे कढ़ाई ले लीजिए, मैंने कढ़ाई ली है क्योंकि मैं इसमें सॉस बनाऊंगी, तो उसी को मैं यूज़ कर लूँगी। मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूंगी और लगभग 4 से 5 मिनट हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इनका कलर आपको हल्का हल्का ब्राउन नहीं दिखे। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम मीडियम की हुई है और मैं इसको 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लूंगी, जब तक कि इसका हमारा थोड़ा गोल्डन कलर ना हमें दिखे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है। तो बस मैं 1 मिनट और करने के बाद अपना गैस जो है वो बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं वापस प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, गैस मेरी जो ये कढ़ाई है ये ठंडी है, तो सबसे पहले मैं इसमें अपना शुगर पाउडर डाल रही हूँ और फिर मैं इसमें कोको पाउडर डाल रही हूँ, इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं बता दूँ, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, तो हमें जो चॉकलेट सॉस इसके बनानी है उसके लिए हम ये कोको पाउडर और शुगर मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको, क्योंकि हमने इसका सिरप बनाना है, मैंने जो मिल्क लिया है वो भी मैं ऐड कर दूँगी, और आप इसको मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब मैं इसमें बटर डालूंगी क्योंकि हमें सॉस को पकाना भी है। तो जो हमने 50 ग्राम बटर लिया था फ्रेंड्स, वो डाल देंगे हम इसमें। और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है, अब हम इसको थोड़ा पका लेंगे। इसको हमें थोड़ा थिकन करना है, तो लगभग इसमें मुझे 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको सॉस को हमें थिक करने में। और बाकी हम 5 से 6 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी फिर से मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैंने मीडियम फ्लेम रखी है और मैं इसको कंटिन्यूसली स्टर करूंगी, अदरवाइज ये चॉकलेट सॉस मेरी जो है वो जल जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये चॉकलेट मेरी बॉयल होनी शुरू हो गई है, बट अभी ये हमारी उतनी थिक कंसिस्टेंसी की नहीं है।
तो हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। तो फ्रेंड्स अभी हमारी ये चॉकलेट सॉस पक रही है, तो लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे 1-2 मिनट और पकाऊंगी। अभी ये देख सकते हैं आप, थोड़ी थिक तो हो गई है, इस पर आप देख सकते हैं स्पैचुला पे ये एकदम कोटिंग आ रही है, बट स्टिल मैं इसको 1-2 मिनट अभी और पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी थिक कंसिस्टेंसी की हो गई है सॉस, तो मैंने अब गैस की फ्लेम बंद कर दिया, हम इसे 3-4 मिनट ठंडा होने देंगे और फिर अपने बिस्किट्स में इसको पोर कर देंगे। हम बिस्किट तोड़े थे मैं, सबसे पहले इसमें ये अपने जो हमने क्रंची किए थे अपने ड्राई फ्रूट ये डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने जो चॉकलेट सॉस बनाई है मैं उसको पोर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारी चॉकलेट सॉस है ये हम इसमें पोर कर देंगे अच्छे से। आप सारी की सारी ऐसे करके क्लीन कर लीजिए उसको, सारी इसमें पोर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे मिक्स भी करते रहिए। अभी मेरी थोड़ी सी कढ़ाई में सॉस बची है, मैं और डाल दूंगी, बट मैं इसको साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। हम इसको सेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाउल है इसमें ये नीचे वाला सेपरेट हो जाता है, बट अगर नहीं भी सेपरेट होगा तो नो वरीज, आप इसको सबसे पहले बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए और इसको आप पूरे कंटेनर को आप बटर से ग्रीस कर दीजिए, अच्छे से ग्रीस कर दीजिए, जिससे कि हमारा केक आराम से निकल जाएगा। तो आप इसको पूरे कंटेनर को बटर से ग्रीस कर दीजिए और इसके बाद हम इस पर कोको पाउडर थोड़ा सा बिछा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर बटर लगा लिया है और अब हम थोड़ा सा कोको पाउडर डाल देंगे। तो आप कोको पाउडर लेके इसके साइड भी ग्रीस कर दीजिए अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमने ये सेट कर लिया है, अब मैंने जो हमने जो ये केक और चॉकलेट सिरप का मिक्सचर बनाया था इसको हम इसमें सेट कर देंगे, हम पूरा ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो फ्रेंड्स ऐसे डाल के आप इसको एकदम स्मूथ कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर स्पून और स्पैचुला अगर आपके पास, तो इसको आप एक एक, तो अभी देखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसको स्मूथ कर लिया है, तो अभी हमने जो डार्क चॉकलेट ली थी मैं उसमें ये क्रीम ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के अराउंड, और इसको मैं 2 मिनट माइक्रोवेव कर लूंगी सो दैट कि जो हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये मेरा 1 से 1.5 मिनट में ही आप देख सकते हैं चॉकलेट और क्रीम एकदम मेल्ट हो गई है, अब इनको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चॉकलेट और क्रीम का जो मैंने मिक्सचर किया है ये कितना बढ़िया हो गया और एकदम शाइनी हो गया है, इससे हमारे केक के ऊपर हम जब स्प्रेड करेंगे तो बहुत ही शाइनी हो जाएगा हमारा केक। तो अब हम इस पर केक पर इसको ऐसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे पूरा अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैंने इस पे सारी अपनी जो चॉकलेट हमने ऊपर के लिए तैयार की थी वो लगा दी है, इसको आप थोड़ा सा टैप कर लीजिए सो दैट कि आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाए ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसको फ्रीज होने के लिए रख देंगे 5 से 6 घंटे फ्रीजर में। केक तैयार है, तो जो फ्रीजिंग है जो कि मैंने कहा था कि आप 4 से 5 घंटे रख दीजिए, वो आपके फ्रीज पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपके फ्रीज का टेम्परेचर कम है तो आप देख लीजिएगा, शायद हो सकता है जल्दी फ्रीज हो जाए, और इन केस अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है आपकी चॉकलेट तो आप उसको 2-3 मिनट पहले निकाल के रख सकते हैं। तो अब हम इस केक को सेपरेट करने के लिए आप सबसे पहले नाइफ लीजिए और नाइफ से इसके कॉर्नर्स को सेपरेट कर लीजिए। आप पूरा नाइफ लेकर आप नाइफ की हेल्प से निकाल लीजिएगा और इसके बाद आप, क्योंकि मेरा तो नीचे से ये सेपरेट है, अगर आपका ऐसा नहीं है तो फिर आप इसमें ये कर सकते हैं कि एक स्लाइस पहले आप कट कर लीजिएगा और उसके बाद जो आपका पार्चमेंट पेपर है उसकी हेल्प से आप इसको निकाल पाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये केक कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से, कितना क्रीमी, और साइड से देखिए आप जो हमने चॉकलेट और बिस्किट की लेयर ली थी वो कितना अच्छा लग रहा है, हमें कुछ भी इसमें बेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और ये केक कितनी जल्दी बन गया है, हमने ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है।
तो अब इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ, आपके पास चॉकलेट शेविंग्स हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उससे कर सकते हैं इसको डेकोरेट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको ऐसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लिया। आपके पास चॉकलेट शेविंग्स हैं तो आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने केक को। तो चलिए अब मैं एक स्लाइस इसमें से कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं नीचे पार्चमेंट पेपर है और आप ये देखिए स्लाइस कट गया है मेरा। आप देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा लग रहा है। इसमें बिस्किट का बहुत ही क्रंची फ्लेवर आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत चॉकलेटी, बहुत क्रंची है। और आपको याद होगा हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, वो भी रोस्ट करके, तो इसका फ्लेवर बहुत यम है। आप बहुत इसको जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा केक नहीं हो सकता। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस केक को बनाने के बाद। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी हेल्प कीजिए प्रमोट करने में फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।